एसबीटी न्यूज पर देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की मॉर्निंग न्यूज। लॉकडाउन में शराब बेचते दो जने गिरफ्तार, एक फरार। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान शराब बेचते गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो तस्कर मौके पर शराब छोड़कर फरार हो गए। इनके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पदमपुर पुलिस के हवलदार रेशम सिंह ने तामकोट में अकबर खान के कब्जे से 6 लीटर हथकर शराब बरामद की। पुलिस को देखकर अल्लादित्ता फरार हो गया। सूरतगढ़ पुलिस के ASI पृथ्वी सिंह ने गांव अमरपुरा में बनवारी लाल के कब्जे से 62 पवे देशी शराब बरामद की। बनवारी लाल भी पुलिस को देखकर फरार हो गया। सूरतगढ़ शहर पुलिस के ASI धर्मेंद्र सिंह ने मंगतूराम को 56 पवे देशी शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 37 आरबी में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम प्रेम था, जो 37 आरबी का रहने वाला था। उसके पिता लाला राम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। लाला राम ने पुलिस को बताया कि प्रेम खेत में कुएं की पाइप पर चढ़ रहा था, इसी दौरान पांव फिसलने से वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले की लालगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नाजायज रूप से हथियार लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को काबू कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ASI लक्ष्मण सिंह ने गांव लाधुवाला में संदीप को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 12 बोर देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि संदीप लॉकडाउन के दौरान लोडेड पिस्तौल लेकर गांव में घूम रहा था। आरोपी को आज दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।